अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू परवीन लाइफ स्टाइल। आज मैं आपके साथ चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मटन चपली कबाब। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर लिया है, इसके अंदर ऑनियन ऐड करना है, इसको बारीक चॉप कर लेना है ऑनियन को। इसी तरह और भी ऑनियन लेना है, उसको भी बारीक चॉप कर लेना है। ऑनियन का पूरा अच्छी तरह से पानी निकाल लेना है चॉप करने के बाद। अभी कीमा लिया है एक बर्तन में, इसके अंदर ये ऑनियन का पानी निकाला हुआ है, इसको ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और ड्राई मसाला है, कुटी हुई धनिया, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये है गरम मसाला और कुटी हुई रेड मिर्ची। इन सबको ऐड कर देना है। इसके बाद बारीक कटी हुई टमाटर, कोतमीर और ग्रीन चिल्ली, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन लेना है, दो बड़े चम्मच बेसन ऐड करना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। और एक अंडा भी ऐड करना है। अंडा ऐड करने से क्या होता है, हमारा जो कबाब होगा ना, वो कबाब मतलब टूटेगा नहीं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है, जितना अच्छा मिक्स होगा उतना टेस्टी मज़ेदार कबाब बनेगा। अभी इसको हम 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। मैरिनेट करके फ्रिज में ही रखना है, वरना फ्रिज में नहीं रखेंगे तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। और इस तरह हम चपली कबाब बनाएंगे, इस तरह हमारे कबाब टूटेंगे भी नहीं। तो उसको मैंने ऑयल गर्म करने पहले ही रख दिया था। और अभी कबाब डालेंगे इसके अंदर, एक तरफ से कबाब सिक चुके हैं और ऑयल ऐसे ऊपर से डालना है कबाब के अंदर। इस तरह से हमारे कबाब बहुत ही जूसी बनते हैं। इसी तरह और भी कबाब ऐड करेंगे इसके अंदर, ये भी फ्राई हो चुके हैं। इस तरह अलट पलट कर कबाब को सेकना है। और ये कबाब तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये कबाब इसी तरह बनाना है। इसी तरह से 2-3 मिनट में अलट पलट कर हमको ये कबाब बनाना है स्लो फ्लेम पर। और ये कबाब रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, बताइए आप लोग को ये कबाब कैसा लग रहा है देखने में। तो सोचो टेस्ट करने में कितना मज़े का होगा। तो बहुत ही जूसी और मज़ेदार कबाब बनाने के लिए आपको मेरी रेसिपी ट्राई करना होगा और मेरे टिप्स भी फॉलो करने होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो।
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।